नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं एकदम टेस्टी ऐसा पालक वड़ा। बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। तो आइए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब भी मैं अपनी नई रेसिपी अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन की बेल आपके मोबाइल में बजेगी, तो आप मेरी रेसिपी को फटाफट देख पाएंगे। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हम पालक वड़ा। आज हम बना रहे हैं पालक वड़ा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है ये। तो आइए ये किस तरह बनाना है देखते हैं। पालक वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पालक के पत्ते। हमने 15 से 20 पत्ते लिए हैं। इनको अच्छे से 2-3 पानी में धोया है और इसका पानी निकाल लिया है। ये इस तरह से हमने पत्ते ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू जिनका हमने छिलका निकाल लिया है। 1/2 कप पोहा, जो कांदा पोहा बनाने के लिए हम पोहा लेते हैं वो लिया है हमने 1/2 कप। थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसे अच्छे से धो लिया हमने और इसे काट लिया है। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 3 हरी मिर्च इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको हमने ग्रेट कर लिया है, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो आइए पहले हम पालक के पत्ते काट लेते हैं। पालक के पत्ते हमने अच्छे से धो लिए थे 2-3 बार पानी में और इसका पानी निकाल लिया था और ये अभी सूख चुके हैं, तो इसे काट लेते हैं हमें। इस तरह से हम सारे पत्ते काट लेंगे। पालक के पत्ते हमने काट लिए इन्हें। अब हम पोहा है, पोहा अच्छे से धो लेंगे हमें और हमें इसे पानी इसका निकाल लेना है। तो पहले हमने 2 बार पानी में धो लेंगे इसे। पोहा हमने 2 बार पानी में अच्छे से धो लिया है और इसका हम छलनी में निकालेंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, तो हमें ये थोड़ा सूखा पोहा मिलेगा। और आइए अब हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। आलू को कद्दूकस कर लेना है हमें, तो हम इसे पालक में आलू को कद्दूकस कर लेंगे, इसलिए हमने ये ग्रेटर लिया है और इसमें से हम इसे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। आइए बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं इसमें। इसमें हम मिलाएंगे ये पोहा जो हमने धो के चलनी में रखा था, इसे हम इसी में डालेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। धनिया पत्ता, हींग, हरी मिर्च, अदरक ग्रेट किया हुआ, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए। इसमें डालेंगे हम पहले थोड़ा सा चावल का आटा और इसे भी मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें ये बाइंडिंग होना चाहिए वड़े। इसे हाथ से मैं मिला लूँगी। इसके वड़े बनाने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथ को लगाएंगे इस तरह से ताकि वड़े बनाते वक्त हमारे हाथ को चिपके नहीं है। और जितने छोटे चाहिए बड़े चाहिए इस तरह से हम वड़े बना सकते हैं। इस तरह से जो भी शेप में चाहिए आपको वो बनने वड़े बनाएंगे हम। और इस तरह से हम बनाते हैं
रखते जाएंगे। पालक वड़ा सब बना लेंगे हम। हमने तेल गरम करने के लिए रखा था तो वो थोड़ा सा गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे हम इसे। और इसमें ये एक एक वड़ा छोड़ेंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें ये वड़े फ्राई करने हैं, क्योंकि ये अंदर तक पकने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। एक बार में तीन ही डालूंगी मैं। इसे पलटी कर लेंगे हम ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छे से सीक जाए। अच्छे से फ्राई होने चाहिए। दोनों साइड से अच्छे से सीख चुका है हमारा पालक वड़ा और इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा चम्मच को कड़छी से, कड़छी को थोड़ा सा कढ़ाई पे साइड में लगा लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे हम। इस तरह से हम सारा पालक वड़ा जो जितने बनाए हमने वो सारे फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारा पालक वड़ा। बहुत आसान है, फटाफट बनता है, हेल्दी है ये। तो आप ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए। यूं ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को यूं ही लाइक दीजिए, यूं ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूं ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।